हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मैं आशा करता हूँ कि हमेशा आप लोग बढ़िया ही रहिएगा। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक नया अपडेट लेके आया हूँ दोस्तों, एक नई जानकारी लेके आया हूँ दोस्तों। और ये नया अपडेट, नई जानकारी क्या है ये भी मैं आप सभी को बता देता हूँ दोस्तों। 2020 में आप लोग कैनरा बैंक का इंटरनेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं, एक्टिवेशन किस तरीके से कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के ऑल बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है किसी तरीके का अपडेट मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँ वो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुँच सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम अपने मोबाइल के ब्राउज़र में आ गया, और आज जैसा कि मैंने आपसे बताया कि कैनरा बैंक का नेट बैंकिंग का जो रजिस्ट्रेशन है उसका प्रोसेस जानेंगे दोस्तों। दोस्तों, अच्छा लगे वीडियो तो जैसे ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा के ऑल बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने मोबाइल के सर्च बार में आ गए। यहाँ पर सर्च बार में हम टाइप करेंगे, देख सकते हैं दोस्तों, पहले से मैंने टाइप कर रखा है कैनरा बैंक। इस तरीके से कैनरा बैंक टाइप करेंगे दोस्तों, कैनरा बैंक यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, डॉट इन आ गया है, यानी कि कैनरा बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट का ये लिंक है दोस्तों, कैनरा बैंक डॉट इन। मैं आप सभी को बता दिया हूँ दोस्तों, वैसे लिस्ट में ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, इस पर आप क्लिक कीजिएगा गो पे, तो डायरेक्ट आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर ही चले जाएगा। यहाँ पढ़ लीजिएगा, इट हैज़ रिपोर्टेड टू फ्रॉडस्टर आर कॉलिंग आवर कस्टमर इंक्लूडिंग ई सिंडिकेट बैंक कस्टमर पोजिंग एज ए बैंक ऑफिशियल फॉर प्रिवीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ओ टी पी पिन एट्सेट्रा फॉलिंग विल देयर अकाउंट्स मे बिकम इंपोर्टेड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अमलगेमेशन कैनरा बैंक सिंडिकेट बैंक ऑफिशियल नेवर आस्क फॉर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक ओ टी पी पिन और एनी अदर डिटेल्स फ्रॉम कस्टमर। प्लीज डोंट फॉल प्रे टू सच फेक कस्टमर केयर कॉल एंड डू नॉट शेयर पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, मतलब आपके जो अगर मान लीजिए कस्टमर केयर के नाम पे आपसे कोई किसी तरह के जानकारी मांगा जा रहा है बैंक से जुड़ा हुआ, तो आप प्लीज़ ना दे दोस्तों, शेयर ना करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा दोस्तों, शेयर करने से आपको हानि हो सकता है दोस्तों, क्योंकि कस्टमर केयर की तरफ से कभी भी कॉल नहीं आता है, कोई SMS नहीं आता है। हाँ, आपने मैसेज अलर्ट चालू कर रखा है, इसमें से अलर्ट चालू कर रखा तो आपका बैलेंस डिटेल वगैरह बता दिया जाएगा, ट्रांजैक्शन डिटेल वगैरह बता दिया जाएगा, और किसी तरह का मैसेज नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी को लैपटॉप और पीसी पे तो बहुत सारे बताया गया होगा कि इस तरीके से कैनरा बैंक का नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करें, उस तरीके से करें। मैं आपको अपने मोबाइल से बताऊँगा दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊँगा दोस्तों। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, एक 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 स्टेप में आप सभी को समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हैं कैनरा बैंक का कस्टमर केयर का नंबर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप इन्हें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ नेट बैंकिंग रिटेल न्यू है दोस्तों, और नेट बैंकिंग डेस्कटॉप है, हमें डेस्कटॉप पर क्लिक करना है। उससे पहले आप सभी को बता दूँ, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा दोस्तों आप सभी को। अगर वीडियो अच्छा लगेगा मेरा ये वाला दोस्तों, और आप सभी का वॉच अच्छा मिलेगा रिस्पांस, तो दोस्तों मैं ज़रूर बनाऊंगा आप लोग के लिए इस अगले ऑनलाइन नेट बैंकिंग यूजर्स क्रिएशन के बारे में, डाउनलोड कैन डिजिटल के बारे में, FAQs के बारे में, लोकेटर के बारे में, ये सब डिटेल सर्च बार के बारे में दोस्तों मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आज रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में बताऊँगा अगर आपका जो ऑडियंस रिटेंशन बढ़िया मिला मेरे को तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेट बैंकिंग पर हम क्लिक करते हैं डेस्कटॉप साइट पर। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कैनरा बैंक का जो नेट बैंकिंग का डेस्कटॉप ऐप ओपन हो गया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस बताया जा रहा है, अनेबल टू लॉग इन थ्रू कैन डिजिटल, क्लिक हर एंड रिफ्रेश द पेज फॉर एनी फीडबैक, यू मे रीच अस एट आवर टोल फ्री नंबर। ये जो नंबर यहाँ पे दिया गया है देख लीजिए दोस्तों, वेलकम टू नेट बैंकिंग। यहाँ पे स्विच टू लीड वर्जन, रिटेल वर्जन, यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिया है दोस्तों, ये यूज़र आईडी है आपका। ठीक है दोस्तों, और ये पासवर्ड यहाँ पे आपको फिल करना है, जो रजिस्ट्रेशन के बाद आप बनाएंगे दोस्तों। अगर आपने पहले से बना रखा तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला आपको कैप्चा डालना है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं।
आपको यहाँ पे कई लैंग्वेज मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम फिलहाल इंग्लिश ही रहने देते हैं, तो हम बैक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको वर्चुअल कीबोर्ड का ऑप्शन भी दिया जा रहा है दोस्तों, ठीक है, वर्चुअल कीबोर्ड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन मिल जाता है, अगर अगर मान लीजिए कि आपने अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल रखा है, कैप्चा डाल के आपको साइन इन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका पासवर्ड अगर मान लीजिए भूल गए हैं, तो यहाँ पर फॉरवर्ड का भी ऑप्शन मिल सकता है दोस्तों, आप मिल रहा है आपको दोस्तों, ठीक है, यहाँ से पासवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके विषय में हम दोस्तों अगली वीडियो में, मैंने जैसे बताया कि एक बाय एक 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 करके वीडियो में बनाऊंगा, उसके ऊपर आप सभी को समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, पहले इस वीडियो का अगर आपका ऑडियंस रिटेंशन जो है मेरे को अच्छा मिलेगा, तो मैं बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा अनलॉक यूज़र आईडी, यहाँ थोड़ा लाइट कलर है जो थोड़ा शो नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, आप फॉरवर्ड यूज़र आईडी, यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक नोटिस टाइप का आपको आएगा टर्म्स एंड कंडीशन का, वो आप पढ़ लीजिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन टर्म एंड कंडीशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो हम आए एग्री पे क्लिक कर दिए दोस्तों। यहाँ पे आपको एक फॉर्म टाइप का मिलेगा दोस्तों, इसको आपको फिल कर लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ डिटेल मैं ब्लर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, जूम करके आप सभी को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन और इंटरनेट बैंकिंग यूजर डिटेल। ठीक है दोस्तों, करेंट सेविंग अकाउंट का जो यहाँ पर डिटेल है, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों इसमें आपको एटीएम कम डेबिट कार्ड का नंबर टाइप कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस वाले रो में लाइन में। ठीक है दोस्तों, रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्टडी कोड दिया हुआ है दोस्तों आपका कंट्री का। यहाँ पे आपका कस्टमर आईडी नंबर डालना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका जो एंटर डिटेल ऑफ वन ऑफ द लास्ट 5 ट्रांजेक्शन, उनमें से एक डाल देना। ठीक है, डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे काइंडली सेलेक्ट द टाइप ऑफ एक्सेस रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग, यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र एंड इंक्वायरी फैसिलिटी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा इंडिकेटेड मैंडेटरी फील्ड्स, नोट फंड ट्रांसफ़र फैसिलिटी विल बी गेट इनेबल्ड ऑन जनरेट ऑफ ट्रांजेक्शन पासवर्ड। तो ये सब पढ़ने के बाद आप आई एग्री कर दीजिएगा, आई एग्री पे, या अगर आपको पसंद नहीं है तो डिसएग्री भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम अपना सारे डिटेल भर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने अपना डिटेल फिल कर लिया है, अब हम यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे दोस्तों, और आई एग्री पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे दोस्तों। तो हम क्लिक करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर बताया जा रहा है, ओटीपी पासवर्ड और एंटर ओटीपी पासवर्ड बताया, तो हम यहाँ पे ओटीपी पासवर्ड डाल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ हम यहाँ पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों, स्टेप फर्स्ट तो हमने क्लियर कर लिया दोस्तों। अब स्टेप सेकंड पे आ गए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको वर्चुअल कीबोर्ड भी मिल रहा है, आप यहाँ से भी कुछ भी कर सकते हैं, डाल सकते हैं, टाइप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंटर लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन दिया जा रहा है, री एंटर लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको कैसा पासवर्ड बनाना है, यहाँ पे आपको पॉलिसी टू बी फॉलोड ऐसे है दोस्तों, पासवर्ड शुड भी कम से कम 18 कैरेक्टर का होना चाहिए, पासवर्ड शुड भी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 12 कैरेक्टर का होना चाहिए, पासवर्ड कैन बी लोअर केस अल्फ़ाबेट, यानी कि जो छोटा अल्फ़ाबेट्स होता है उसको मिला के बनाना है आपको दोस्तों, और पासवर्ड कैन कंटेन अपर केस अल्फ़ाबेट से भी बनाना है। ठीक है दोस्तों, पासवर्ड कैन कंटेन स्पेशल कैरेक्टर मिला के भी बनाना है दोस्तों। ठीक है, यानी कि सब कुछ मिला के यहाँ पर आपको बनाना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको एक न्यूमरिक डाल देना है, कम से कम दोस्तों एक लोअर केस अल्फ़ाबेट डालना है, एक दोस्तों अपर केस डालना है, एक फिर न्यूमरिक डालना है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से बनाना है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम पासवर्ड बना लेते हैं अपना। पासवर्ड बनाने के बाद दोस्तों यहाँ सबमिट बटन पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो यूज़र आईडी है वो बन के आ गया दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर नेट बैंकिंग फॉर यूवर यूज़र आईडी, आपका यहाँ पे यूज़र आईडी नंबर शो कर रहा है दोस्तों, तो हमारा यूज़र आईडी बन गया है। यू कैन चेंज यूवर यूज़र आईडी बाय विजिटिंग सर्विस प्रेफरेंस आफ्टर लॉगिन। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारा यूज़र आईडी दोस्तों बन गया है, और दोस्तों आप सभी को यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है दोस्तों। ओके पे क्लिक करने के बाद हम वापस देखिए कहाँ जाते हैं, वापस हम इस पेज पे आ गए दोस्तों। तो दोस्तों मेरे वीडियो कैसा लगा आप सभी को, मेरे
जो ये जानकारी कैसा लगा मेरे को, अगर आप सभी को अच्छा लगा तो मेरे इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों, काफ़ी मेहनत हम लोग करते हैं आप सभी के लिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर ऑल बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो या किसी तरह का अपडेट हो वो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुँच सके दोस्तों। और अच्छे अच्छे वीडियो पर जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट कीजिए हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आ, और नहीं तो किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए, हम उस पर बनाएंगे दोस्तों, कोशिश करेंगे पूरा, ठीक है दोस्तों, आपके हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।